अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ जिया। मेरठ के शहरी इलाके में तेंदुए की एंट्री से दहशत फैल गई है। टीपी नगर के ज्वाला नगर में अनिल अरोड़ा के सीसीटीवी कैमरे में तेंदुए का वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। दहशत के मारे लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कुछ लोगों ने तेंदुए की गतिविधियों को अपने मोबाइल से कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है, जिसके बाद अब लोग वन विभाग की टीम का इंतजार कर रहे हैं। जिसने भी रात में तेंदुए को देखा उसके होश फाख्ता हो गए। मोबाइल वीडियो पूरे इलाके में वायरल हो रहा है, जिसके बाद सुबह होते ही पुलिस और वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मोबाइल फुटेज के आधार पर वन विभाग की टीम तेंदुए की एंट्री की वेरिफिकेशन में लगी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें भेज दी गई हैं। शहर में तेंदुए की एंट्री से इलाके के लोग खौफ में हैं। लोगों ने शनिवार को अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा। वहीं जिला वन अधिकारी की माने तो वीडियो फुटेज में नजर आ रहा जानवर तेंदुए जैसा दिख रहा है, जिसकी तस्दीक कराई जा रही है। वहीं इलाके में टीमें रवाना कर दी गई हैं, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस मामले में DFO ने दी ये जानकारी। सर, तेंदुए मिलने की सूचना पर आप पहुंचे हैं, क्या पाया है? अभी स्टाफ ने 2 से 3 घंटे तक सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन यहाँ पर चलाया है। आसपास के तकरीबन आधा किलोमीटर एरिया को ये लोग चेक कर चुके हैं। किसी भी खाली प्लॉट में या CCTV कैमरा में उसकी फुटेज अभी तक नहीं मिल पाई है। ये ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा। SOP के हिसाब से जो मूवमेंट और उसकी लोकेशन को ट्रेस करना होता है, उसको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। लोगों को जो जागरूकता करनी होती है, डूज एंड डोंट्स के बारे में बताना होता है, वो भी स्टाफ के द्वारा किया जा चुका है। आसपास के लोग यहाँ पर काफ़ी मौजूद भी हैं, उनके साथ मेरी भी बातचीत हुई है। वो आशान्वित हैं कि ये चीज़ हम लोग जो ऑपरेशन कर रहे हैं अच्छे से चलाया जा रहा है, कोई इस तरह का कोई डर की भावना नहीं है यहाँ पे। फिर भी एहतियातन ये ऑपरेशन हमारा जारी रहेगा, जब तक हम उसको ट्रेस या लोकेट नहीं कर पाएंगे ये ऑपरेशन जारी रहेगा। तकरीबन कितनी टीमें लगाएंगे? हाँ, इसमें 2 टीमें हमारी लगी हुई हैं जो अलग अलग कार्य को कर रही हैं। एक टीम पूरा CCTV और लोगों को जागरूकता फैलाने में लगी हुई है, दूसरी टीम खाली प्लॉट्स अबंडेंट बिल्डिंग्स उनको ट्रेस कर रही है, उनको पूरा कॉर्डन ऑफ करके चेक किया जा रहा है कि वहाँ पर कोई बच्चिन या उस तरह की कोई इनडायरेक्ट डायरेक्ट साइन मिल पाए हम लोगों को। SOP के तहत और जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है स्टाफ का और डॉक्टर RK सिंह जो वन्यजीव विशेषज्ञ हैं, उनकी देख रेख में पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। CCTV चेक करियो, आपने उसमें क्या दिखाया? केवल एक CCTV कैमरा जो जिसमें रिपोर्टेड हुआ है, उसी में उस जैसा वन्यजीव दिखाई दे रहा है कि ये लेपर्ड हो सकता है। एक जिन्होंने ये देखा है, वैसे भी एक युवक हैं जिन्होंने यहाँ पर देखा है कि क्लेम कर रहे हैं कि देखा गया है, उन दोनों सूचनाओं को हम आधार बनाते हुए इस पूरे ऑपरेशन को हम लोग चला रहे हैं। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।